रिश्तों की मर्यादा पार करके नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने वाले कब तक रहेंगे फरार। आपको बता दें, बीते 14 अगस्त को उन्नाव थाना बिहार क्षेत्र तकिया निवासी राजरथी का बेटा अतेन उर्फ लाला, दूसरा सुमित उर्फ बंटू, पुत्र अवधेश रिश्ते में भांजी लगने वाली नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा कर किसी दोस्त की मदद से भगा ले गया और साथ में कजिन बहन को भी ले गया। वहीं पीड़िता के पिता द्वारा काफी तलाश करने के बाद पता चला कि लड़कियां तकिया निवासी आशा बहु राजरथी के बेटे के साथ मुंबई में है। तो पीड़िता के पिता ने बंटू और लाला से बातचीत की तो दोनों ने बताया कि लड़कियां उनके पास हैं और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लड़कियों से बात भी करवाई। जब पीड़ित पिता के समझाने पर लड़कियां वापस आने को तैयार हो गई तो लाला और बंटू ने कोई साजिश के तहत दूसरे दिन पीड़िता के पिता को बताया लड़कियां उनके पास नहीं है और लाला की मां राजरथी ने लड़कों के बचाव करने के लिए पीड़ित पिता पर गंभीर आरोप लगाना और बदतमीजी करना शुरू किया, जबकि पीड़ित पिता के पास तमाम ऐसे प्रमाण है जिससे साफ यह होता है कि लड़कियों को जबरन बंधक बनाकर रखा गया है। बेटियों के पास जो मोबाइल था वह भी लाला और बंटू द्वारा छीना गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिर किस अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं लाला और बंटू के परिजन। पीड़ित पिता को दबिश न करवाने के लिए क्यों करती रही गुमराह? क्या पीड़ित पिता की बेटियों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? कहीं इन दोनों ने उनकी हत्या तो नहीं कर दी? वहीं पीड़ित पिता का कहना कि उसके पास पर्याप्त प्रमाण है कि लड़की लाला और बंटू के पास है, उसके बाद भी लड़कियों को क्यों नहीं सामने लाया जाता। आरटीआई न्यूज 24 उन्नाव। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।